हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। और फाइनली बिहार की सबसे चर्चित भर्ती बिहार सिविल कोर्ट की चपरासी वाली, जिसमें एमबीए तक हर बार आते हैं और लास्ट में दसवीं वाली ही बाजी मार के लेके जाते हैं, जबकि कंपटीशन का लेवल ऐसा है कि एमबीए वाले भी पीयून और दिल्ली में पोस्ट भर देते हैं और हर बार मीडिया में आता रहता है कि आप देखेंगे कि चपरासी की नौकरी में एमबीए शामिल हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में होता है दसवीं पर ही। और दसवीं वाले इसमें बाजी मार लेते हैं क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस इंटरव्यू का जो 10 नंबर चपरासियों के लिए होता है ना, ये चपरासी में भी होता है और ये उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, यकीन रखिए आप। तो आपको मैं सारी बातें इसके बारे में बता दूंगा, आप परेशान ना होइए। नौकरी अगर आप दसवां पास हैं तो मान के चलिए हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने मेहनत किया है ना तो ये नौकरी मिल जाएगी, तनख्वाह अभी ठीक ठाक है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ गए। इंटरव्यू में 15 नंबर मिलता है चपरासी में, याद रखिएगा आप लोग, 15 नंबर, यही 15 नंबर आपको नौकरी दिलाता है लास्ट में, यही इसी का चीज़ होता है, यही काम करता है आपका। बाकी सवाल का लेवल इतना आसान होता है ना, टक टक, थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो आराम से पास हो जाइएगा, लेकिन इंटरव्यू में ही 15 नंबर में लेने में आपको पसीना छूट जाता है। हालांकि चपरासी का इंटरव्यू होता है लेकिन बहुत सारा सवाल आ जाता है उसमें, आपको इंटरव्यू में कैसे कैसे पूछा जाएगा, खैर ये सारे पहलुओं पे वन बाय वन करके बात करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जब तक ये भर्ती पूरी नहीं होगी चपरासी की नौकरी तक, और इसको देखिए चपरासी का मतलब आप घटिया शब्द मत समझिए, कोर्ट का अर्दली बहुत पावरफुल होता है और बहुत ज़्यादा काम होता है, सबसे व्यस्त पद होता है ये, आप समझ लीजिए, अब बहुत पावरफुल भी। तो आप अर्दली को हल्के में प्यून को मत लीजिएगा, या आपको लग रहा है कि प्यून के लिए कौन अप्लाई करेगा तो जाके कभी कोर्ट में जाके देखिएगा कि प्यून की स्टेटस क्या होती है। साहब दिन भर लोग पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि ए साहब, ए प्यून साहब, ए प्यून साहब, ये होता है जलवा। चलिए, तो इसलिए आप इसको हल्का मान लिए। और पदों की संख्या भी बहुत ज़बरदस्त है, 1673 पोस्ट पर 1673 पोस्ट है, आप आराम से घुस सकते हैं, लेवल आपको पता है। अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें भी बता देते हैं और जल्दी ही आप लोगों को इससे रिलेटेड जो है और गाइडेंस भी दे देंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। आप उम्मीद कीजिए कि आखिरी दिन तक नौकरी आप तो पकड़ा के ही आऊँगा, प्रयास तो यही रहेगा, आप बस थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा क्योंकि इसका पेपर लेवल बहुत ईजी होता है। अगर 10 तक ठीक से पढ़े हैं ना तो आपका काम हो जाएगा, 10 से ऊपर का एक सवाल नहीं। जो बीए पास और एमबीए पास वाले क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो आते ही उनका लेवल इतना ऊँचा होता है ना और पेपर का लेवल इतना नीचा होता है ना कि आपको वो पता ही नहीं होता है, ईजी लेवल इतना हो जाता है ना। देखिए आप हार्ड पढ़े हुए हैं, टफ पेपर पढ़े हुए हैं, आपने एसएससी दे रखी है और पेपर का लेवल यहाँ 10वीं, तो कई बार क्या होता है ना कि आसान सवाल भी भारी लगने लगता है और भारी सवाल लोगों के लिए इजी हो जाता है, समझ में आया। तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइए कि कंपटीशन से मत डरिए, अगर आपका तैयारी 10 लेवल का सुपर है तो आप लोग भी निकल जाएंगे, और अगर कोई ऊपर का पढ़ा हुआ है ग्रेजुएट लेवल का है वो भी अगर ठीक से तैयारी करके रखा है ग्राउंड लेवल का ही, तो आप भी उसमें चयनित हो जाएंगे। चलिए अब आपको आ जाते हैं, आपको पता है कि 10वीं लेवल होनी चाहिए, करैक्टर ठीक होना चाहिए, इसको लेकर के एक सवाल बहुत सारे लोग कह रहे हैं करैक्टर मतलब क्या। तो भाई अगर आपके यहाँ कोई खेती का केस हो गया है, सिविल का मामला का केस हो गया है, तो आप इससे मत डरिए कि सिविल का केस है आपके ऊपर, खेती बाड़ी में कोई पटीदार ने केस कर दिया, ये सब करैक्टर में नहीं आता है, ठीक है ना। करैक्टर खराब तभी माना जाएगा जब आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज हो, जैसे कि मतलब आपने चोरी की हो, हत्या, अबेटमेंट टू सुसाइड किया हो, अटेम्प्ट टू मर्डर किया, ये सब क्रिमिनल चार्ज ही आपका करैक्टर खराब करते हैं। बाकी अगर सिविल का खेती होती का मामला है कोई दिक्कत नहीं, आपका करैक्टर खराब नहीं है। एक चीज़ का ख्याल मैं अभी बता दे रहा हूँ, फार्म भरिएगा तो एप्लीकेशन का प्रिंटआउट जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड के टाइम में आपको दिक्कत होने लगती है, फिर कोई दिक्कत होता है तो आपका एप्लीकेशन नहीं खुलता है, इसलिए एप्लीकेशन का आप प्रिंटआउट निकाल के रख लीजिएगा, आपको लास्ट में इंटरव्यू के टाइम में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए, एज लिमिट आपको पता है कि 18 साल सबसे कम है और सबसे ज़्यादा जो है वो 37 साल होता है जनरल के लिए, बाकी सबका 40 साल होता है, महिलाओं का भी, ओबीसी कैटेगरी का भी, एससी एसटी कैटेगरी में जो है वो 42 साल और 18 साल का एज लिमिट होता है, तो इसलिए आप 42 साल के हैं अगर एससी एसटी कैटेगरी में तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों, और बाकी जनरल और बाकी सारे कैटेगरी जो है 40 साल तक, और जनरल के मेल के लिए जो है 37 साल एज लिमिट होता है, 18 साल सबसे कम होता है। आ जाते हैं इसको पढ़ना क्या है, मेन चीज़ तो यही है कि पढ़ना क्या है, कुछ नहीं पढ़ना है, तैयारी थोड़ा सा भी होगा तो आप आराम से इसमें हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 300 रुपया फीस है जनरल के लिए और एससी एसटी के लिए जो है वो सर 600 रुपये है, और एससी एसटी क्वालिटी या हैंडीक्राफ्ट है उनके लिए 300 रुपये का फीस होता है। सिलेबस पे आ जाते हैं, देखिए इसमें एक रिटर्न होता है टेस्ट और एक होता है इंटरव्यू 15 नंबर का, बस चपरासी में इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है, आपको प्रीलिम्स मेंस देके नहीं आना है, बस एक ही पेपर देना है, 85 नंबर का पेपर होता है,
30 नंबर उसमें कम से कम लेके आइएगा तो क्वालिफाई हो जाएगा। इंटरव्यू में 15 में 6 नंबर लेके आना है, हम बता रहे हैं आपको, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम इंटरव्यू से पहले आप लोग को ऐसा टिप्स देंगे ना कि उम्मीद कीजिए कि 15 में से 15 नंबर नहीं तो 14 नंबर कहीं नहीं जाएगा। बस आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि कैसे आपको इंटरव्यू में क्या क्या देना है, हम आपको बता देंगे। चैनल पे बने रहिएगा आप, डोंट वरी अबाउट, क्योंकि इंटरव्यू ही सबसे क्रूशियल रोल होता है। पेपर का लेवल इतना ही होता है कि हर बीए वाला भी पास, दसवां वाला भी पास, सब लोग पास कर जाते हैं, एक ही पेपर होता है, बस इंटरव्यू का खेल होता है। इंटरव्यू में आपको नॉलेज अच्छी होगी तो आप आराम से कर लेंगे। सब्जेक्ट की बात करें चपरासी में तो आपको हिंदी मिलता है, इंग्लिश मिलता है और मैथमेटिक्स मिलता है। जनरल नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। आपको जीएस का पेपर नहीं देना है तो आप सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, और वो भी लेवल जो है ना दसवां लेवल का है और बहुत ही मतलब बहुत ही इजी, ठीक है ना, बहुत ही इजी होता है, इसलिए आप परेशान ना होइए। आपको क्या पढ़ना है ये समझ लीजिए, चलिए आपको पढ़ना क्या है ये आप समझ लीजिए, आपको हम बता देते हैं। और इंटरव्यू में अच्छा, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों कि इंटरव्यू में आपको क्या क्या चीज़ें, यही हम कहें कि आपको बताएंगे। देखिए आपका कैसे जाते हैं, कैसे इंटरव्यू में आपका एक्सपीरियंस कितना है, कैसा है, आप कैसे जाते हैं। क्वालिफिकेशन अगर आपका ज़्यादा है तो उसमें भी आपको 2.5 नंबर मिल जाता है, एक्सपीरियंस अगर है तो भी 2.5 नंबर मिल जाएगा। और अगर नॉलेज का है, अगर काम का आपको नॉलेज है कि कैसे चपरासी का काम होता है तो 2.5 नंबर उस पर भी मिलता है, ये भी एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन कुल मिला के आप उसका ये परेशान नहीं होइए। अब आ जाते हैं आपके मैथ और हिंदी में। देखिए हिंदी में अनुलोम विलोम, अर्थ, वाक्य, शुद्धि, समास, ये जो दसवां लेवल का होता है बहुत इजी इजी, या फिर गलत वर्ड लिखा है उसको सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा। राम खाता आम है तो आपको लिखना पड़ेगा उसको राम आम खाता है, बस यही लेवल होता है इस पेपर का, इसलिए आप परेशान नहीं है। मैथ में जोड़ घटाओ गुणा भाग सिंपल इंटरेस्ट आता है, औसत आ जाता है, रेशियो वो भी दसवां लेवल से भी नीचे का, 8वां लेवल तक आप गणित अगर सही हो जाएगा, इसलिए आप परेशान ना होइए। इंग्लिश में कुछ नहीं है, इंग्लिश का वैसे भी 15 नंबर का ही सवाल आता है, अगर नहीं भी आता है आपको इंग्लिश तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 35 नंबर हिंदी का और 35 नंबर जो होता है गणित का, यही आपका असली कूल होता है। अंग्रेजी नहीं आ रहा है तो कहिए मत कि हमसे नहीं हो पाएगा, 15 ही नंबर है ना, छोड़ दीजिएगा, दोनों निकाल दीजिए 70 नंबर, इंटरव्यू में 15 नंबर सलेक्शन हो जाएगा आपका आराम से। अगर इंग्लिश नहीं आता है तो मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इंग्लिश इतना भी मतलब वही ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी इनडायरेक्ट सही थोड़ा, वही राम खाता है आम, वही हो गया राम मैंगो ईट्स या राम ईट्स मैंगो, बस यही लेवल है आप समझ लीजिए। तो इतना तो आपको आता ही है, आप उम्मीद रखिए कि ये हो जाएगा। तो कुल जमा अगर आपका कोई और सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि आपका उत्तर दे दूँ, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जवाब तो आपका मैं दे ही दूंगा। और बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग जो पहले से आपके विभाग में काम कर रहे हैं चपरासी में प्यून में, वो लोग आपको आपका जॉब प्रोफाइल भी समझा देंगे, आके खुद बता देंगे। प्रयास करूंगा कि वो भी एक दिन यूट्यूब पे ला के आऊँ और वो आपको गाइड कर ले, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, परेशान ना होइए, डाउट हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। और नौकरी एक ठो ले के आइएगा, समझ में आया। इस बार हमें हर कोर्ट में अपने पहचान का 2-4 आदमी चाहिए कि अरे भैया आप आ गए क्या, ऐसा चाहता हूँ कि आप लोग भी मिले, और जैसे बाकी आज तक लोग मिलते आए हैं वैसे ही आप भी मिले। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी गाइड मिल गई होगी, मिलता हूँ, प्रणाम।